हेलो बच्चों, हेलो मैम। आज की जो एक्टिविटी होने वाली है आपकी वो है बच्चन अनुच्छेद। क्या है अनुच्छेद? जिसको आपकी भाषा में आम बोलचाल में बोलते हैं कहानी दीक्षा। हम उन शब्दों को लेकर आज एक कहानी बनाएंगे, ठीक है? मैं एक एक करके शब्द बुलाती जाऊंगी, अपने शब्द का नाम बोलते जाना कि मेरा शब्द ये है। यहाँ से आएगी अपने अपने शब्द का नाम लेके आओ। माँ से मछली, बैठो। पाँ से पेड़, यही बैठो। टोकरी, ता से टोकरी। अंग से अंगूर, फा से फूल। घ से घर, बैठ जाओ आओ। हाथ से हाथ, हाथ से हाथ। शब्दों का उच्चारण जो अक्षर है ना, देखो सुनो, अक्षरों का अक्षर का उच्चारण ऐसे करना है जो इसमें अक्षर लिखा है ना, हाँ, तो हम हाँ ही बोलते हैं, हाँ नहीं बोलेंगे उसको। आप बैठे। बादल, बा से बादल। कैसे गुब्बारा? ग ग ग से गुब्बारा। इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो भी शब्द लिखते हैं ना, सब बच्चों को दिखा दो, घुमा के देख लो भाई। शब्द देखो, जो भी शब्द लिखे हैं इनसे एक कहानी बनानी है, ठीक है? चलो हम एक कहानी बनाते। एक था, एक सुंदर सा घर था। आप भी बोलो। एक सुंदर सा घर था। घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ पर अंगूर लगे थे। पेड़ पर अंगूर लगे थे। सुंदर सुंदर से फूल थे। उसके नीचे सुंदर सुंदर से फूल थे। घर में टोकरी भी रखी थी। घर में टोकरी भी रखी थी। टोकरी में अंगूर रखे थे। टोकरी में अंगूर रखे थे। घर में एक मछली भी थी। घर मछली भी थी। घर में एक मछली भी थी। घर में एक मछली भी थी। गुब्बारे वाला आया। एक दिन गुब्बारे वाला आया। हाथ में बहुत से गुब्बारे लाया। हाथ में बहुत से गुब्बारे लाया। सभी देखकर बहुत खुश हुए। सभी देखकर बहुत खुश हुए। घर को गुब्बारों से सजाया। घर को गुब्बारों से सजाया। कैसी लगी? एक घर पर अंगूर की बेल लगी थी। पर अंगूर की बेल लगी थी। अंगूर बहुत खट्टे थे। अंगूर बहुत खट्टे थे। फिर भी कुछ मैंने तोड़े। ये कुछ मैंने तोड़े। और उनको टोकरी में रख लिया। और उनको टोकरी में रख लिया। में बारिश होने लगी। इतने में बारिश। बादल गड़गड़ाने लगे। बादल गड़गड़ाने लगे। मछलियाँ ऊपर नीचे होने लगी। मछलियाँ ऊपर नीचे होने लगी। सब पेड़ पर, सब पक्षी पेड़ पर बैठने लगे, छिपने लगे। सब पक्षी पेड़ पर बैठने लगे, छिपने लगे। फूलों पर बूंदे पड़ने लगी। फूलों पर बूंदे पड़ने लगी। भाग कर आया गुब्बारा वाला, भाग कर आया। और घर में छिप गया। गया। सभी ने जोर जोर से बजाई। हाथों से बजाई। कहानी सुनकर मजा आया। ये होता है हम शब्दों का इस्तेमाल करके एक अनुच्छेद, एक कहानी बना सकते हैं, ठीक है?